आज है हम देहरादून में, और देहरादून में होते हुए टपकेश्वर महादेव ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि महादेव बहुत ज्यादा ही प्रिय है। और उसके बाद हम बहुत ज्यादा अच्छी जगह भी जाने वाले हैं। बाकी टपकेश्वर महादेव की महिमा बहुत अलग है, आगे आपको इस वीडियो में सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। वहाँ की जितनी भी चीजें हैं, कितने साल पुराना है और कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो जैसा हमने लास्ट व्लॉग में बताया था कि नेक्स्ट हम शादी में से आने वाले हैं, टपकेश्वर जाने वाले हैं। सो फाइनली हम टपकेश्वर पहुंच गए। सो ये एक ऐसा महादेव मंदिर है जिसमें हमको मोर देन 1000 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है। और टपकेश्वर का कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो द्रोणाचार्य थे, जो पांडव और कौरव के गुरु थे, उन्होंने तपस्या करी थी यहाँ 12 साल। जो आर्चरी, जिसको में भी गेम होता है, आर्चरी गेम जिसको धनुर्विद्या बोलते हैं, उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया था और उनसे धनुर्विद्या की मांग करी थी। तो रोज यहाँ पे शिवजी प्रकट होते थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो उसकी गुफा है वहाँ पे एज इट इज ही रखा गया है गुफा को, वहाँ पे कुछ भी मॉडर्नाइजेशन नहीं किया है, उसकी खूबसूरती अभी भी बरकरार है। और मेरी हाइट तो 6 फीट है, मतलब 3 से 4 फीट के लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो इजिली निकल जाते हैं, बट हमें तो बहुत प्रॉब्लम आई थी। और यहाँ पे एक और मान्यता है कि जो द्रोणाचार्य की वाइफ थी, उन्होंने भी पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर तपस्या करी थी। और अभी आजकल हम बोलते रहते हैं कि ये तो अश्वत्थामा है, अजर अमर है, तो अश्वत्थामा ही गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो शिवजी के वरदान से इनकी वाइफ को हुए थे। देख लीजिए, ये गुफा है जो तमसा नदी के किनारे पूरे टपकेश्वर महादेव बने हैं। और क्योंकि तब उन्होंने तप किया था, उनको दूध की भी जरूरत तब पड़ती थी। स्वयंभू शिवलिंग है जहाँ पे शिवजी खुद प्रकट हुए थे शिवलिंग के उसमें रूप में, और वहाँ पे दूध की धारा तब गिरती थी जो 6000 वर्ष पूर्व महाभारत के टाइम की बात है। बट अभी भी यहाँ पर दूध नहीं लेकिन पानी की निरंतर जो धारा बहती रहती है शिवलिंग के ऊपर। और यही एक भारत में एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जहाँ पर भक्तों को जल नहीं चढ़ाना पड़ता है, खुद पर्वत ही शिवजी को जल चढ़ाते हैं। सो टपकेश्वर महादेव का जो पूरा मैनेजमेंट अभी संभाल रहे, जो वहाँ के महंत हैं, वो हमारे श्री कृष्णगिरी बाबा जी हैं, जिनके दर्शन लाभ का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने हमको टपकेश्वर की काफी महिमा भी बताई है। और यहाँ पर हर वर्ष बहुत बढ़िया त्योहार मनाया जाता है। जो सवारी भी निकलती है टपकेश्वर महादेव की, वो 5 कवच है वहाँ पर, हर बार अलग अलग कवच के रूप में सवारी निकलती है। तो गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने हमको बताया था कि ये पूरा रुद्राक्ष का कवच है जिसमें बहुत सारे रुद्राक्ष जड़े हुए हैं और उससे पूरा कवच बनाया है। और एक पीतल का भी कवच है जो रखा हुआ है, चांदी का कवच है, जैसे कवच से पूरी सवारी निकलती है महादेव की। और महादेव की सवारी तो चाहे वो देहरादून हो या हमारा उज्जैन हो, हर जगह की बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तांबे के तार में पहले चांदी लाए तो ठीक नहीं भाई, जब खींचते थे टूटता था, अब तांबे का प्योर तार बना के बनाए। जो महाराज जी हैं, गुरु जी हैं, उनसे बहुत सारी चीजें हमको यहाँ की पता चली, बहुत ही अच्छा था। इस मंदिर की खासियत ये है कि अगर आप अपने माता पिता या दादा दादी के साथ जाते हैं जो काफी वृद्ध है, जो टपकेश्वर नीचे उतर के जल नहीं चढ़ा सकते हैं, गुरुजी ने उनके लिए ही ऊपर एक मंदिर बनवा के रखा है कि वो ऊपर भी जल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे जो पीछे गार्डन था वहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ भी देखे थे। ये आप देख रहे हैं रुद्राक्ष का पेड़ है जिसमें हमने साक्षात रुद्राक्ष लगे हुए भी देखे थे, जो 5 मुखी रुद्राक्ष है। यहाँ पर पूरे गार्डन की भी एक पूरी अच्छी से व्यवस्था करने वाले हैं। जो लंबा सा है ना रुद्राक्ष का पेड़ है, पर ऐसा है क्या कि हर आश्रम में रुद्राक्ष का पेड़ है, शंकर का रूप है ना, वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी जाकर मैंने पहली बार ही देखा था। अब यहाँ तो 5 साल पेड़ है, एक वो लगा है, एक वो बड़ा वाला उधर वो लगा है, एक ये है, एक ये है। कितने मुखी आते हैं इस पर? 6 मुखी, 5 मुखी, मैक्सिमम 5 मुखी। फिर हमें गुरुजी ने आश्रम की एक विशेषताएं बताई है, चाहे वो लिफ्ट लगी हो या फिर जो सुचारू रूप से वहाँ का मेंटेनेंस चलता रहता है, इतनी भीड़ होने के बाद भी कितनी इजी गोइंग व्यवस्था है वहाँ पर। ऊपर जो बड़े महंत जी मायागिरी जी, मायागिरी बाबा जी, उनकी मूर्ति बनी है वो बताई, पूरे टपकेश्वर महादेव के आइट से जो भी वो अब नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं भक्तों के लिए वो पूरा बताया। उसके बाद हमने गुरु जी से पूछा भी था कि हम ऊपर जाने वाले हैं केदारनाथ, तो उन्होंने ही हमको बताया था कि रजिस्ट्रेशन लगता है, जो भी केदारनाथ जाना चाहता हो एक बार जरूर देख लीजिएगा,
एक रजिस्ट्रेशन लगता है जो BKCT बद्री केदार जो ट्रस्ट की वेबसाइट है वहां से आप इजीली करवा सकते हैं या फिर ऋषिकेश ऑनलाइन ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। इसी बारे में गुरुजी ने पूरा हमको जानकारी दी थी और यहीं से मुझे पहली बार पता चला था पंच केदार, पंच बद्री और पंच प्रयाग के बारे में, जिसके बारे में आगे गुरुजी हमें बताएंगे कि जो सोन प्रयाग हम सुनते हैं, देव प्रयाग सुनते हैं, ऐसे पांच प्रयाग हैं, वैसे ही पांच बद्री भी हैं, वैसे ही पंच केदार तो सुना ही हमने। ये सारी जानकारी भी हमें गुरुजी ने ही दी थी, जो आगे वो खुद भी उनके मुखाग्र से हम सुनेंगे भी। अभी तक आप सभी ने देखा होगा कि पांच जो केदार है वो बताए जाते हैं, बट पांच बद्रीनाथ के मंदिर भी हैं तो वो अभी तक किसी ने नहीं बताया। तो वो पांच प्रयाग भी है, तो वो हम गुरुजी से सुनेंगे कि कौन कौन से हैं। हर हर महादेव। ये देवभूमि उत्तराखंड में बड़ा एक अलौकिक और देवभूमि है। यह पांच प्रयाग, पांच बद्री और पांच केदार का महत्व आते हैं। जैसे हम केदारनाथ जाएंगे तो पहले आएगा आपके केदारनाथ, तुंगनाथ, मधमहेश्वर, कल्पेश्वर और रुद्रनाथ। बद्रीनाथ जाएंगे हम लोग, जो भगवान बद्री का पांच रूप आता है, बद्रीनाथ, योग बद्री, नारायण बद्री, वृद्ध बद्री और भविष्य बद्री। भविष्य बद्री का गुरुजन ये बताते हैं कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत एक होंगे किन्हीं कल्प में, वो जो विलुप्त हो जाएंगे तो भविष्य बद्री है, भविष्य के बद्री में होंगे। ऐसे पांच प्रयाग हैं जो देव प्रयाग से शुरू होते हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। ये भी अनेकानेक हमारे जो उद्गम हैं उत्तराखंड में, जहाँ से नदियाँ प्रारंभ हुई है, वो संगम में देवप्रयाग में आकर के तब गंगा कहलाती है। उससे ऊपर उनका गंगा का नाम अलग अलग है, भागीरथी है, अलकनंदा है, टिम्बर है और तमाम नदियाँ हैं, लेकिन जो देवप्रयाग में आकर के सारी संगम हो जाती है। माँ गंगा का पतित पावनी करकल बहती धारा वहाँ से प्रारंभ होता है देवप्रयाग तीर्थ के नाम से। तो हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने अलग अलग कल्प में किया है। नारद जी को एक प्रश्न है कि संगीत कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो कोई कहीं बताएगा, लेकिन धर्मशास्त्र बताता है कि रुद्रप्रयाग में भगवान केदारेश्वर महादेव है, नारद जी ने संगीत का प्रारंभ बीणा से वहाँ से प्रारंभ किया था, वो भी उत्तराखंड देवभूमि में ही है। तो इस प्रकार से है। और यहाँ इसका भी इतिहास है, भगवान ने स्वयं अपने गेट बना रखा था, बड़ और पीपल। बड़ पीपल जामुन पाँच महीना आपस में पूरा नीम, ये छोटा पेड़ है, तो पांच पेड़ ऑटोमेटिक उसमें जो है समावेश है। तो मुझे बताओ फिर, यहाँ तो सो कमरा खोलता हूँ भैया, यहाँ तो लौटने में कहना है ना, कहीं पता नहीं हरिद्वार से फोन कर दिया नंबर आ रहा है। मेरा नंबर जो आपके पास है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतने कचरा इसे ही है सब। मैं तो उसको कचरा ही बोलता हूँ। सब चीज़ हट जाता है, दिमाग उसे बैठ जाता, सब भूल जाते हैं कि चाहिए कुछ और करना है। तो यहाँ से निकले आप, थोड़ा आगे जाएंगे, मसूरी डाल देना, आ जाएगा है 32-34 किलोमीटर, पर क्या है ना हिल है, नहीं ऋषिकेश निकल जाओ और मधुबन आश्रम देख लेना, रहने के लिए परमार्थ देख लेना, देखते हैं थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकले तो। और इसके जाओगे तो फिर कल का दिन नीलकंठ हो जाएगा आपका, पर जैसा हो मुझे रिंग करते रहो जब तो उत्तरांचल में रहो। ये तो कॉफी महाराज ने याद नहीं किया, बाकी हरी चल रहा है, ठीक है ना, आप सब कर लो नमन। और लास्ट वाले दिन रहो, एक दिन आराम करके भोजन करके निकल लेना, ठीक है ना। आप लोग अब हमने टपकेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छा लगा, गुरुजी पूरा टाइम हमारे साथ थे और अब हम जा रहे हैं मसूरी।